वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन गुरु नानक देव साहिब जी की 29वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। गुरु नानक देव जी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिमालय के बीहड़ बर्फानी इलाके को पार किया तो अरब और मिस्र के रेगिस्तानों की खाक छानी, भयानक जंगलों में हिंसक पशुओं का सामना किया, लेकिन वे अपने उद्देश्य से डिगे नहीं। सिकंदर लोदी की जेल से लेकर बड़े बड़े ठगों से भयानक मुठभेड़ों तक उन्होंने अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन किया। अगर आप उस समय की परिस्थितियों पर जरा सा ध्यान दें, तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के बीच रहकर उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण किया। गुरु नानक देव जी राजनीतिक और सामाजिक आंतकों से भली भांति परिचित थे, लेकिन जीवन पर्यंत वे अपने सत्य मार्ग से जरा भी भटके नहीं। यही वजह है कि अपने सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए वे जीवन भर प्रयासरत रहे, तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बड़े बड़े संकट झेलने पड़े, पर उन्होंने न कभी उनसे अपना मुंह मोड़ा और न कभी पीठ दिखाई। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरे ओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरे। सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर, सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर, उठ उआहों को दोरे ओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं। आज्ञा में भूखा सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने ओ। जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने ओ, सो माथे ले माने ओ। जैसी आज्ञा मुख नहीं मोरे ओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरे ओ। तिसते मुख नहीं मोरे ओ। तिसते मुख नहीं मोरे ओ। वाहे गुरु। ओहो मित्र कमाल भाई, जरा भी सब्र नहीं है तुम में। सब्र है, बहुत सब्र है मुझ में मित्र ब्रह्मदास, तभी तो अभी तक अल्लाह ताला की खोज में लगा हुआ हूँ। सब्र रख कर ही तो ये काम कर रहा हूँ मित्र। आओ आओ बैठो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी अक्ल में कुछ आता ही नहीं है। अक्ल में आएगा कैसे, जब तुम मेरी अक्ल के अनुसार समझाओगे नहीं। क्या मतलब? देखो भाई, तुम ठहरे विद्वान, बड़े भारी पंडित, जहाँ जाते हो दो ऊँटों पर प्राचीन शास्त्रों से संबंधित ग्रंथों को लाद कर चलते हो। हाँ, क्योंकि मैंने उन सभी ग्रंथों का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से किया है। तुमने वो सब सूक्ष्मता से किया होगा और अपने पांडित्य से शास्त्रार्थ करके बड़े बड़े विद्वानों को भी पराजित किया होगा, लेकिन तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। वाह भाई वाह। अब तुम संतुष्ट नहीं हो पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है, तभी तो कह रहा हूँ। भला तुम्हारी विद्वता, तुम्हारा पांडित्य किस काम का, जो मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी संतुष्ट ना कर पाया हो। भाई कमाल, तुम सचमुच कमाल के हो। देखो, तुम मुझ पर व्यंग्य मत करो। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तुम मुझे राह दिखाओ। मेरी रूह अल्लाह को पाने के लिए छटपटा रही है। तुम्हारी रूह की छटपटाहट का अनुभव मुझे भी है कमाल। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम कहाँ कहाँ नहीं भटके। जनशून्य जंगलों में, पहाड़ों में तुमने बहुत तपस्या की है। लेकिन
लेकिन पाया कुछ भी नहीं। सुना है एक परदेशी विद्वान मारतंड के झरने के पास डेरा जमाए बैठा है, जो चमड़े का लबादा पहनता है और हाँ मछली भी खाता है। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम्हारी छटपटाहट उस विचित्र परदेशी से मिलकर शायद कम हो जाए, शायद तुम्हें वो कोई मार्ग बता दे। परंतु तुम्हें उस पर इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि मैंने सुना है कि उसने एक गरड़िये का जीवन बदल दिया है। वो गरड़िया अब बहुत सुरीले कंठ से, भावों से भरे गीत गाता है। तो इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई? अनोखी बात यह है भाई कमाल कि ये परिवर्तन उस अजनबी के केवल एक स्पर्श मात्र से हुआ है। क्या कहते हो, क्या ऐसा सच में हुआ है? हाँ भाई, सुना तो मैंने ऐसा ही है। तो तुम उनके दर्शन कराए? नहीं, मगर इच्छा बहुत है। समझा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक रहा है ना? तुम ये सोचकर वहां अभी तक नहीं गए कि तुम जैसा विद्वान अगर वहां गया तो लोग क्या कहेंगे? तुम यही समझ लो, परंतु मैं कहता हूं तुम वहां जाओ, शायद तुम्हें उस परम शक्ति का अनुभव हो जाए जिसको पाने के लिए तुम बरसों से भटक रहे हो। वाह, अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या, मैं भी जाता हूं। अरे जाओ और जल्दी वापस भी आओ। वो क्यों भला? अरे तुम मुझे वापस आकर अपना अनुभव नहीं बताओगे क्या? वाह रे तेरा अहंकार। मित्र, यदि तुम्हारा मन उस व्यक्ति से मिलने का इतना बेताब है तो छोड़ दो ये बेकार का घमंड, छोड़ दो ऐसी विद्वता जो तुम्हें उस आनंद को पाने में आड़े आ रही हो। छोड़ दूंगा, उसी क्षण छोड़ दूंगा यदि तुम्हें वो परम शक्ति का अनुभव करा पाए तो। पक्का? पक्का, मैं अपनी जबान का पक्का हूं मेरे दोस्त। तो मैं अभी जाता हूं और वापस आता हूं। भाई हसु, तुम कब से इस छोटे से लोहे को पत्थर से रगड़ रहे हो? आखिर तुम इसका क्या बनाना चाहते हो? श्यान भाई, भले ही हम गुरुदेव के साथ इस महान यात्रा पर निकले हैं, पर मैं अपना पेशा भूलना नहीं चाहता। लोहार हूँ, इसीलिए लोहा पड़ा मिला तो इस पत्थर से तराश कर छुरी बना रहा हूँ। अरे वाह, काश मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए कि मैं अपना रंगरेजी के पेशे का जोहर दिखा सकूं। जानते हो, मैं इतना बढ़िया कपड़ा रंगता हूँ कि मेरे रंगे कपड़े का रंग कभी नहीं छूटता। कहो, करीब वाले गांव में तुम्हें इस काम पर लगवा दो। हसु भाई, लोग यहाँ दूर दूर से अपना सब कुछ छोड़कर गुरु महाराज से भगवत भक्ति के काम में लगवाने की गुहार लगाते हैं, और मैं गुरुदेव के साथ रहकर अब फिर उस ओर पलट जाऊं क्यों? ये तो है श्यान भाई। देखो तो, अभी वो जंगलों पर्वतों की खाक छानने वाला कमाल गुरु महाराज के पास गुहार लगाने पहुंचा था। हाँ, और हमारे गुरु महाराज के दर्शन मात्र से उसके जीवन का कायाकल्प हो गया। हाँ, क्या बात है भाई शहान, हमारे गुरु महाराज तो महान है। एकदम महान। सचमुच, जिस व्यक्ति को अनेक वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद भी अखंड ज्योति के दर्शन नहीं हुए, वो उन्हें गुरु महाराज के चरणों में झुकते ही उनके भक्त हो गए। हाँ हाँ शहान। हे गुरु महाराज, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारी शरण में आकर, धन्य हो गया। हसु भाई, हमारे ये पूर्व जन्मों के कर्म है जो हमें ये मौका मिला है। हाँ, जिसके लिए अन्य लोग मारे मारे फिरते हैं। हाँ श्यान भाई, अब भाई कमाल को देखो, मेरे ख्याल से वो अब गुरु महाराज को छोड़कर जाने वाले नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा से शिष्य बनने वाले लोग गुरु महाराज को छोड़ेंगे क्या? और भाई कमाल तो पहले से ही ज्ञानी है, उन्हें पता है कि गुरु नानक देव से उन्हें क्या मिल सकता है। हाँ।
मरण न मंदा लोका आखिए जे भरी जाने ऐसा कोई से विहु साहिबु संभ्रशु आपना पंथु सुहेल आगे होई। वाह क्या खूब कहा है नानक देव ने। मित्र ब्रह्मदास। हाँ कमाल, नानक देव जी कहते हैं कि लोगों मरने का बुरा मत मानो, यदि कोई मरना जानता है तो मरना बुरा नहीं है, किंतु कुछ ऐसा करो जिससे आगे का मार्ग यानी परलोक सुहाना हो जाए। ओहो, तो इसका मतलब है तुम्हें भी आगे का मार्ग मिल गया। हाँ भाई हाँ, आखिर ये झूठा अहंकार तो टूटना ही था, मैं बेकार ही अपने पांडित्य के अहंकार को ढोता रहा और आज जाकर पता चला कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मित्र ब्रह्मदास, मुझसे जब तुम्हें उस अलौकिक अनुभूति के संबंध में जानकारी मिली और तुम गुरुदेव से मिलने गए तो तुम्हारी क्या बातचीत हुई उनसे? मैं तो मूर्ख ही हूँ मित्र, तभी तो उनसे तर्क वितर्क करने पहुंच गया। अफसोस। हाँ, मुझ अज्ञानी ने उनसे छूटते ही पहला प्रश्न किया, आप चमड़े का लवादा क्यों पहनते हैं और मछली क्यों खाते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यही कि पंडित जी महाराज वस्त्र विशेष के पहनने में या भोजन विशेष के करने में ही पवित्रता नहीं रहती, सच्ची पवित्रता तो मनुष्य के अंतःकरण में रहती है। बिल्कुल सत्य वचन। फिर आगे? आगे उन्होंने कहा, अंतःकरण ही मनुष्य के चरित्र का संस्कार करता है और साथ ही अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार में उच्चता और समानता लाता है। उन्होंने कहा कि भोजन और वस्त्र की अनावश्यक औपचारिकता के पालन से मनुष्य के हृदय और शरीर संकुचित तथा संकीर्ण हो जाते हैं। ओह, कितनी सटीक बात कही उन्होंने। हाँ, मैंने अभी तक इतने ग्रंथ पढ़े किंतु मैंने ये बात नहीं जानी थी, क्योंकि मैं परमात्मा विषयक ज्ञान में अनाड़ी बना रहा। क्यों ब्रह्मदास, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अध्ययन के बोझ से अपनी आत्मा के ऊपर और अधिक भार लाद दिया है, इसलिए सूक्ष्म होने के स्थान पर आत्मा की स्थूलता बढ़ गई। ओह, क्या ऐसा तुम्हें गुरु महाराज ने कहा? हाँ कमाल, हाँ उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान ही मनुष्य के जीवन यात्रा में सहायक सिद्ध होता है और उसी से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस सच्चे ज्ञान का मूल्य क्या है, ये उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि दृढ़ विश्वास ही सच्चे ज्ञान का मूल है, प्रेम से विविध रूप उसकी शाखाएं हैं और मेरे शुष्क हृदय में विश्वास और प्रेम का अभाव है, इसलिए मुझ में परमात्मा का मेल कैसे हो सकता है? सच कहा मेरे मित्र उन्होंने, सच, क्योंकि ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, जिसके हृदय में विशुद्ध प्रेम विद्यमान है उसके हृदय में परमात्मा का निवास है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। ओ मित्र कमाल, क्या ये बात तुम्हें नानक देव ने बताई? हाँ हाँ मित्र, तुम्हें तो एक राह मिली है, उनसे क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई? नहीं, तभी तो मैंने धनाधन 3-4 प्रश्न जड़ दिए। मैंने पूछा, ये बताइए सृष्टि का निर्माण किस तरह हुआ, सृष्टि के अनारंभ में कौन सा तत्व विद्यमान था, उस समय सृष्टि निर्माता परमात्मा कहां था? ओह, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, वो कौन सी बेला थी, कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जिस समय सृष्टि की रचना हुई, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, क्योंकि यदि कोई जानता तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं अवश्य हुआ होता। यही तो उन्होंने भी कहा कि कर्ता सृष्टि को सजाता है, वही इस रहस्य को जान सकता है, केवल इतना जानना पर्याप्त है कि समस्त सृष्टि परमात्मा द्वारा रची गई है। ओह, फिर वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान होते हुए भी उससे परे है। परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए हमें परमात्मा के ही जैसा होना पड़ेगा। और परमात्मा के ही जैसा होने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें सारे प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और दूसरी ओर सर्वव्यापी परमात्मा से अनन्य भक्ति
प्रेम करते हुए उनका चिंतन करना चाहिए। तो मेरे भाई, क्या तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया? नहीं भाई, नहीं। तभी तो मैं परमात्मा के स्वरूप और उसकी महिमा को नहीं जान सका। ओह, तब तो तुमने अपनी कमियों को मान लिया होगा। हाँ भाई हाँ, और गुरुदेव ने मेरी आंखें खोल दी। मेरा अहंकार पानी पानी हो गया। मैं आज बहुत खुश हूं मित्र, बहुत खुश। मुझसे तुम्हारा वो पांडित्य का आडंबर देखा ना जाता था, लेकिन क्या करूं, तुम मेरे मित्र हो, यह सोचकर मैं चुप रह जाता था। हाँ भाई कमाल, मैं विद्वता के उस चोले को ओढ़कर तुम्हारे निश्चल प्रेम को कभी समझ नहीं पाया था। आज मैंने तुम्हारे रूप में कितनी बड़ी दौलत पाई है। धन्य हो, धन्य हो गुरु नानक देव जी, धन्य हो, जिनकी बदौलत हम आज उस परम शक्ति से रूबरू हो पाए। हे मानव, गुरु का नाम लेकर उससे हमेशा के लिए जुड़ जाओ, इससे तुम हमेशा आत्मिक जीवन जीते रहोगे और आत्मिक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो मनुष्य गुरु का नाम धारण कर लेता है, उसे आत्मिक जीवन देने वाला ये नाम हमेशा के लिए मीठा लगने लगता है। तो ये था ब्रह्मदास का हृदय परिवर्तन। और उधर जब गुरु नानक देव जी मारतंड छोड़ने लगे, तो गुरु नानक देव जी ने कमाल भाई को आदेश दिया कि वे कुरम घाटी में रहकर उनके सिद्धांतों का प्रचार करे। उधर ब्रह्मदास भी जीवन पर्यंत गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते रहे। आज की कड़ी में बस इतना ही। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।